सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज वेक्टर्स एंड थ्रीडी की, जिसके चैप्टर 4 लाइन एंड प्लेन की बात हो रही है, जिसके कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 4.2 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, तब तक आप दीदारे क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन कह रहा है द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रॉकेट आर एक्स इज इक्वल टू 2t, वाई इज इक्वल टू -4t एंड जेड इज इक्वल टू 4t, वेयर टाइम टी इज गिवन इन सेकेंड एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए मूविंग पॉइंट इज इन किलोमीटर। ठीक है, व्हाट इज द पाथ ऑफ द रॉकेट एंड एट व्हाट डिस्टेंस विल बी द रॉकेट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट 000 इन 10 सेकेंड। क्वेश्चन की बात पहले समझ ले, कह क्या रहा है। ये कह रहा है एक रॉकेट मूव कर रहा है जिसके पाथ की इक्वेशन दी है x इज इक्वल टू 2t, x इज इक्वल टू 2t दिया है और y इज इक्वल टू दिया है माइनस का 4t और z इज इक्वल टू दिया है 4t। जरा ध्यान से समझिएगा, क्या मैं इसको x अपान 2 बराबर t लिख सकता हूं, इसको y माइनस 4 बराबर t लिख सकता हूं, इसको z अपान 4 बराबर t लिख सकता हूं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है? क्या मैं कह सकता हूं कि ये दोनों, ये तीनों टी इक्वल हो जाएंगे, ये भी टी के बराबर है, ये भी टी के बराबर है, ये भी टी के बराबर है, तो क्या मैं तीनों को इक्वल कर सकता हूं? यानी इसको लिख सकते हैं x अपान 2 इज इक्वल टू y अपान -4 इज इक्वल टू z अपान 4 इज इक्वल टू टी मान सकते हैं आप। हमने बताया था जब भी ये स्ट्रेट लाइन, ये तो स्ट्रेट लाइन है, इसके नीचे वाली जो चीज है ना, क्योंकि इक्वल टू में लिखा हुआ है, आप सेम नंबर से इसको डिवाइड कर सकते हैं। यानी आप चाहें तो इसको 2 से डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। यानी इसको हम चाहें तो क्या ऐसे ले सकते हैं, x अपान 1 इज इक्वल टू y अपान -2 इज इक्वल टू z अपान 2, कोई दिक्कत? अच्छा, मैं इसको अगर ऐसे कर दूं -0 तो कोई दिक्कत, इज इक्वल टू टी तो है, बात की बात है, सही कह रहा हूं ना मैं? तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये एक स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन है जो 000 से होकर पास हो रही है? तो आप कहेंगे पाथ ऑफ द रॉकेट क्या है, इज अ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू 000। तो यानी आप लिखेंगे पाथ ऑफ रॉकेट इज अ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू 000। समझ में आई बात नहीं आई? तो पहला तो यही कंसेप्ट हो गया। अब ये कह रहे हैं कि भाई आफ्टर 10 सेकेंड्स, आफ्टर 10 सेकेंड्स ये पार्टिकल, ये ओरिजिन से इसकी दूरी क्या होगी, जरा समझने की कोशिश करो। स्टार्टिंग में जब 0 सेकेंड था तो आपका रॉकेट 000 पे था, जब आप 10 करोगे तो x का मान यहां क्या आने वाला है 20, और 10 करोगे तो y का मान क्या आने वाला है -40, और ये z का मान आने वाला है 40। तो क्या कोऑर्डिनेट फॉर्म में करूं तो आप कहेंगे 10 सेकेंड में पार्टिकल यहां कहीं होगा ए पॉइंट पर, जहां का कोऑर्डिनेट 20 माइनस 40 40 होगा, कह सकता हूं मैं। अब ये नहीं कहना फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपने क्यों बना दिया, हम कोऑर्डिनेट की बात नहीं कर रहे हैं, ये कहीं भी हो सकता है, ठीक। हम एक यूनिवर्स में बना रहे हैं इसको, मतलब कोऑर्डिनेट नहीं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट है तो आपने निगेटिव कैसे कर दिया। तो आपसे यही कह रहा है अगर स्टार्टिंग में ये यहां पर था तो 20 सेकेंड में यहां पर है तो इसके बीच की दूरी कितनी होगी, निकाल लो ए की वैल्यू, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट लगा दो। तो अगर मैं कहूं कि भाई ये जो रॉकेट है वो ओरिजिन से r डिस्टेंस पर है तो r निकालने का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, यानी ओ ए निकालना है, यानी अंडर रूट 20 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 40 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 40 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर 2 × 4 = 400, 40 का स्क्वायर 4 × 16 = 1600 प्लस 4 × 16 = 1600, तो 16 × 32 = 3600, यानी 60 किलोमीटर। यानी कि 10 सेकेंड बाद रॉकेट ओरिजिन से 60 किलोमीटर दूर होगा, बात समझ में आई? देखो थोड़ा सा बार बार मैं कहता हूं कि 3D doesn't mean that you know the formula then you can solve it, 3D means you have to think 3 dimensionally कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।